पाचौर शादी समारोह में अपने को मंत्री का भतीजा बताने वाले शख्स पर FIR दर्ज। उदयराज सिंह सिसोदिया का पुलिस वालों को धमकी देते हुए वीडियो हुआ था वायरल। अपने को मंत्री का भतीजा बताने वाले युवक ने मांगी माफी। खुद को कैबिनेट मंत्री भतीजा बताने वाले को भाजपा ने बताया कांग्रेस नेता का पुत्र। प्रस्तुत है गुना से राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। जी हां, गुना जिला बामौरी विधानसभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश शासन ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का भतीजा बताने वाले उदयराज सिंह सिसोदिया ने राजगढ़ जिले के पिछोर में एक शादी समारोह में कुछ दिन पूर्व पुलिस वालों को गाली दी थी। खुद को मंत्री का भतीजा बताया था। वीडियो के वायरल होने के बाद राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया के ऊपर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने आरोप लगाया कि उदयराज सिंह सिसोदिया हेमराज सिंह का पुत्र है, जबकि एक प्रेस वार्ता कर हेमराज ने कहा उदयराज सिंह सिसोदिया मेरा पुत्र नहीं है। क्या आपका रिलेशन है? मेरा रिश्ता नहीं है, मेरी विधानसभा के वो विधायक हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में। इस वजह से मैंने आभूस में आके ये बोल दिया। मैं उस चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूँ कि पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के नाम लेके मैंने कुछ गलत बात बोली हो, उस वजह से सभी को ठेस पहुंची हो मेरी ओर से, तो मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ। राज्य की मीडिया टोली के द्वारा अब हाल में ही अभी एक ट्वीट करा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महेंद्र सिसोदिया जी का भतीजा बताकर एक व्यक्ति के अशोभनीय आचरण को आलोचनात्मक रूप से प्रस्तुत करा गया था। यद्यपि यह सत्य है कि वो व्यक्ति जो वीडियो में जिस तरह की अभद्र हरकत कर रहा है वो अशोभनीय है और हम उसकी निंदा करते हैं, पर साथ ही ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि उस व्यक्ति का श्रीमान महेंद्र सिंह सिसोदिया जी से और उनके परिवार से दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो बंदा उनका भतीजा है और ना ही उनका परिवार का है, ना ही रिश्तेदारी में है। और प्रथम दृष्टया जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो ये भी है कि वो तो एक कांग्रेस परिवार का है। उमेश शर्मा जी ने जो मेरे खिलाफ बयान दिया है, मैं निश्चित उन पर मानहानि का दावा करूंगा। मैं और इस बीच में मुझे जो भी मेरे बीच में आएगा, जिन जिन ने मुझे ये बदनाम करने अपराध किया उन सब पे भी दावा करूंगा। तो आगे आप यही कहना चाहते हैं कि आपके राजनीति करियर को कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं? चौरसिया जी, 40 साल की मेहनत को मेरी पानी करने का प्रयास किया इन लोगों ने। आज मेरे बेटे का भी करियर दांव पे लगा है, मेरा करियर दांव पे लगा ही है, सारी फैमिली आज हमारी आहत इस बात से हमारी 40 सालों की सेवा है। मेरे फादर भी कांग्रेस में थे और बरसों से हम लोग कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, पार्टी हमें नोटिस दे रही है। प्रदेश शक्ति संगठन का मैं अध्यक्ष भी हूँ, वहाँ से ही मुझे नोटिस आ रहा है। तो मेरी कितनी बड़ी क्षति हुई इस बात को लेकर, कल पब्लिक मुझसे यही कहेगी कि उदयराज सिंह के पिता ये घूम रहे हैं।